राजस्थान के करौली में एक बच्चे की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी नेत्रेश शर्मा की हर तरफ तारीफ हो रही है। बच्चे को बचाने वाली उनकी हीरो जैसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा वाकई एक रियल लाइफ हीरो साबित हुए हैं। नव संवत्सर के दिन करौली में एक रैली के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा भड़का दी और आगजनी की घटना भी हुई। ऐसे में नेत्रेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक दुकान में आग में फंसी दो महिलाओं और एक बच्चे की जान बचाई। नेत्रेश ने महिला के दुपट्टे से मासूम बच्चे को ढका और उसे अपनी गोद में लेकर आग की लपटों के बीच से निकल आए। उन्हीं के साथ पीछे पीछे महिलाएं भी बाहर आ गईं। दो दुकानों के बीच में एक मकान था, उसमें मैंने देखा एक दो तीन महिलाएं और जिनके एक के हाथ में गोद में एक छोटा सा बच्चा है, वो चिल्ला रही है कि कोई हमें बचाओ। मेरी नजर उन पर जैसे ही पड़ी मैंने तुरंत मतलब मकान के अंदर प्रवेश कर गया और महिलाओं से कहा कि घबराइए मत, हम आपको सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी फोन करके नेत्रेश की तारीफ की और इस बहादुरी के लिए प्रमोशन का तोहफा दिया है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।